का अपना घर विदिशा के श्री हरि वृद्ध आश्रम में रहकर बूढ़ी माताएं अपने बच्चों के लिए मांग रही हैं खुशियां। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के विदिशा जिला मुख्यालय पर स्थित पुराना जिला अस्पताल में श्री हरि वृद्ध आश्रम में रहने वाली 30 से अधिक बुजुर्ग माताएं जहां अपने संतानों से पीड़ित और प्रताड़ित होकर आई हुई हैं, वहीं वृद्ध आश्रम में आज भी संतान सप्तमी का व्रत रखकर अपने संतान की खुशहाली के लिए पूजा कर रही हैं। ये भारतीय माताएं हैं जो अपने बच्चों को हर हाल में खुश देखना चाहती हैं। कहते हैं कि पुत्र तो कपूत हो सकते हैं, लेकिन कभी माता कुमाता नहीं होती। खुद परेशानी में रहकर वह अपने बच्चों को हर हाल में खुश देखना चाहती हैं। यही वजह है कि जिस माँ को बरसों पहले उसके बच्चों ने मार पीट कर घर से भगा दिया था, वही माँ वृद्धा आश्रम में रहकर बच्चों की खुशियों के लिए आज अपनी संतान को जन्म देने के बाद से ही ये माताएं अपनी संतान के दीर्घायु के लिए श्री हरि वृद्धाश्रम में एक दिन पहले से ही तैयारी में जुटी हुई हैं। वृद्धाश्रम में रहने वाली बुजुर्ग महिला शांतिबाई ने बताया कि उनके बेटे उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन वे उनकी पीड़ा सहने के बाद भी भूखे प्यासे रहकर उनके लिए भगवान से लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। मारपीट करत थे, दर्द पीके दर्द करत थे, इसलिए हम आश्रम में 10 साल से रहते हैं। आज पूजन कर रहे हैं क्या? आज पूजन कर रहे हैं। हमारे बच्चे हैरान परेशान ना हो, खुश रहे, भगवान की दया से और हमें खुश रहे। कौन सा व्रत है आज? संतान साधने का व्रत। वृद्धा फूलाबाई कहती हैं कि बेटों ने पहले दर्द दिया, फिर घर से भगाया, लेकिन बेटों के प्रति उनका प्यार कम नहीं हुआ। भौरीबाई अपने बच्चों की भारी प्रताड़ना के बाद भी उनके लिए व्रत रखती हैं। मेरा लड़का दाल पीता है, ज्यादा ही मार धार करता है। दो बेर चली, दो बेर लगा, दो ही बेर मार ठोक कर भगाई और खूब गाली बकता है, बहुत बुरी बुरी गाली बकता है। तो आश्रम में रह रही हूँ, अच्छी भली रह रही हूँ, उमदा रह रही हूँ, बढ़िया रह रही हूँ आश्रम में। साथ करी जाती हैं कि अपने बाल बच्चे खुशी रहे, उमदा रहें, अच्छे खाती हैं और अच्छे आराम से रहें, और अपने रखे मन अपने नहीं रखे तो भी खुशी रहें, अपने नहीं रखे यही अच्छे से रहें। श्री हरि वृद्ध आश्रम के संचालक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि एक वृद्ध महिला की कहानी है कि उसको अपने बेटे द्वारा मारपीट और गाली गलौज आए दिन किया करता था, जिससे वह भी परेशान हो गई और वह आश्रम का सहारा लिया। दरअसल बेटा शराब का आदि था, बेटे ने शराब तो नहीं छोड़ी पर अपनी माँ को छोड़ दिया। वेद प्रकाश शर्मा श्री हरि वृद्ध आश्रम का संचालक हूँ। आज संतान सप्तमी के अवसर पर अनेक माताएं यहाँ पर उनकी संतान के मंगल कामना के लिए संतान सप्तमी का उपवास कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। भले ही उनकी संतानों ने बहुत ज़्यादा उनके साथ अत्याचार किए, उनको पीड़ित किया और उनके साथ मारपीट भी की, लेकिन इनकी भावनाएं उनके प्रति आज भी सकारात्मक और अच्छी दिखाई देती हैं। वृद्धाश्रम में सभी माताएं आज व्रत रख करके पूजन कर रही हैं, गीत गा रही हैं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना कर रही हैं। वह भले ही माँ वृद्धा आश्रम में रह रही हों पर आज भी अपने बेटे के लिए खुश देखना चाहती हैं, इसलिए संतान सप्तमी का पूजन कर अपने बेटे की खुशहाली की कामना करती हैं। इंदिरा शर्मा बताती हैं कि ऐसे एक दो नहीं अनेकों पीड़ित महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं जो यहां अपने बच्चों की सताई हुई हैं। विदिशा से आशीष सहेली की रिपोर्ट। इन बूढ़ी माताओं के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।